प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रयागराज केस का एक और शूटर ढेर कर दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हुई और उसमें एक शूटर और ढेर हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। पुलिस एनकाउंटर में शूटर को ढेर कर दिया गया। शूटर उस्मान को मार गिराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, लगातार पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और आप देखिए पुलिस एनकाउंटर में शूटर को मार गिराया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 10 दिनों का वक्त बीत गया था। जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जो एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं। एक भी नामजद आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया, एक भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा एक भी शूटर क्यों नहीं पकड़ा गया। तो अब से कुछ देर पहले प्रयागराज का कौंधियारा इलाका है, शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर की तरफ। तो वहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। विजय उर्फ उस्मान नाम का शूटर मारा गया है और आरोप ये है कि ये उस्मान वही है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। पहली गोली लगने के बाद उमेश पाल लड़खड़ाए थे, उसके बाद वो गली की तरफ अपने घर में भागने की कोशिश उन्होंने की थी। तो जो पहली फायरिंग करने वाला शूटर विजय उर्फ उस्मान है वो मारा गया है। 50,000 रुपए का इनामी था और बताया ये जाता है कि वो आसपास कहीं छिपा हुआ था, लगातार ठिकाने बदल रहा था और किसी जगह छिप करके मध्य प्रदेश की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच पुलिस टीम को खबर मिलती है, पुलिस ने घेरेबंदी की और जैसे ही पुलिस टीम को उसने देखा ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जब जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की तो वो उसने वो विजय उस्मान मारा गया। तो इस पर 50,000 रुपए का इनाम था। और वे बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में ये पहली ऐसी कार्रवाई है, ये पहली ऐसी कार्रवाई है जिसमें डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट था शूटर का वो मारा गया। इससे पहले 27 फरवरी को अरबाज नाम का एक बदमाश मारा गया था प्रयागराज के नेहरू पार्क इलाके में। उस पर ये आरोप था कि उसने थोड़ी देर के लिए हमलावरों की कार चलाई थी, हालांकि उसका चेहरा सामने नहीं आया था और उसी दिन सदाकत नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। तो लगातार सवाल उठ रहे थे कल उमेश पाल के परिवार वालों ने सवाल उठाए थे, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी और आज जाकर के जो है पहला शूटर जो इस केस में इन्वॉल्व था वो मारा गया। बिल्कुल मोइन, आप हमारे साथ बने रहे, संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बहुत बड़ी खबर कि शूटर मारा गया है, पहला शूटर जिसने पहली गोली चलाई थी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है क्योंकि पिछले 11 दिन से एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में इन शूटरों के इन आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और इस बीच में ये बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। जिस तरह से विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है, 50,000 रुपए का इस पर इनाम था और बताते हैं कि उमेश पाल पर सबसे पहली गोली इसी विजय चौधरी ने ही चलाई थी। अब जाकर के पुलिस ने इसे प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में मार गिराया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लंबे समय से पुलिस काम कर रही थी इस शूटआउट में। जिन लोगों के शरीक होने की बात सामने आई थी, जो नामजद आरोपी थे, उन सभी की तलाश की जा रही थी, सभी के लिए कोशिशें की जा रही थी लेकिन नाकामी हासिल हुई थी। अब 11 दिन बाद ये एक बड़ी सफलता मिली है कि बड़ी सफलता इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लगातार एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब जा करके विजय चौधरी और उस्मान को मार गिराया गया है। अन्य कई आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है, इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है। अब ये देखना है कि आगे जो अन्य आरोपी हैं जिनमें सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन संजय अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की भी इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है और इसकी पूरी जो वजह है वो पुलिस और स्पेशल टीम जो है वो तलाशने की कोशिश हो रही है। ये पुलिस को 11 दिन बाद एक कामयाबी मिली है, जो पहला शूटर है उसको ढेर कर दिया गया है।